जगह देख सकते हैं। गौरी फिकर था मुल्तान की सबसे फेमस, हर दिल अजीज टिक्का चौक में आपको हर खाने मिलेंगे और ख़ास तौर पे टिक्का की तमाम वैरायटी ये आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ ये टिक्का बोटी बनाते हुए स्पेशल अलग से एक स्टाइल है इनका टिक्का बोटी बनाने का, इसमें आपको हरी मिर्च और ये टमाटर और ये शिमला मिर्च के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना देते हैं। मैंने तो पहली दफ़ा देखा इस तरह बनते हुए, नॉर्मली आपने इस इलाकों में देखा होगा, लेकिन ये मसाले के साथ टिक्का बोटी बनती है। ये भाई देख सकते हैं ये खूबसूरत तरीके से टिक्का बोटी बनाते हुए, और ये आपके सामने ये कबाब बहुत शानदार तरीके से ये कबाब बना रहे हैं। कैसे ये बना रहे हैं आप? पहले बार भी हुए थे, उसके बाद यहाँ पे फ्राई करते हैं, सही ज़्यादा शिमला मिर्च भी उसके साथ ग्रेवी टाइप हो जाती है। ये शिमला मिर्च टमाटर और ये टिक्का चौक की खासियत कि ये गौरी टिक्का चौक की अंडा टिक्की बहुत ही शानदार तरीके से हो रही है। कितनी ज़्यादा तादाद में ये अंडा टिक्की बना रहे हैं, और आपको सेल का अंदाज़ा हो जाना चाहिए क्योंकि इतनी कसीर तादाद में ये अंडा टिक्की बन रही है और ये मिनटों में सेल हो रही है। भाई अंदर चलते हैं। अच्छा गाइस, ये देख सकते हैं ये सबसे पहले ये अंडा टिक्की है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये इन्होंने हरी मिर्च और अंडा और ये शामी इन तीनों का मिक्सचर जो करके इन्होंने ये अंडा टिक्की बनाई है। लाजमी बात है इतनी मशहूर है तो इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, और आप देख सकते मसाले बिल्कुल उन्होंने मुनासिब मकदार में, कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं और बहुत ही अच्छा कुक किया हुआ, और ऐसा अंडा टिक्की मैंने पूरे पाकिस्तान में नहीं खाया। वाकई गौरी टिक्का अगर अंडा टिक्की की वजह से मशहूर है तो ये वाकई उनकी स्पेशल है। मैं ये देख सकते हैं मंसूर साहब दिखाएंगे, ये है जी इनका टिक्का बोटी। अब टिक्का बोटी आपने बारबेक्यू में देखा होगा, लेकिन ये पहला टिक्का बोटी है जो कि मसाले के अंदर बनाया हुआ है, और इसके अंदर ये शिमला मिर्च बहुत ही अच्छा कुक किया हुआ। मैंने आपको बाइट दिखाया, अभी हम आपको ये खा के दिखाएंगे। ये देखो अंदर से टोटल ये मैरिनेट हुआ हुआ, अंदर तक मसाले इसके लिए हुए, और ये कितना सॉफ्ट, आप इसको तोड़ें और ये फौरन ये टूट कर, बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है। खा के देखते हैं, बहुत आला जी, बहुत मज़ेदार टिक्के खाए, लेकिन उनका मसाला अच्छा नहीं होता था, लेकिन कमाल। मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ ये गौरी टिक्का में, ये अंडा टिक्की और ये कबाब लाजमी खाएं। हमारे दोस्त भी खा रहे हैं, आप भी इंजॉय करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे। गाइस देख सकते हैं ये हमारे साथ हैं मलिक अवैस साहब, ये UBL के ऑपरेशन मैनेजर हैं, आज रिहाड़ी से स्पेशल मुल्तान आए हैं ये गौरी टिक्का शॉप पे अंडा टिक्की और टिक्का बोटी खाने के लिए। इनके साथ ये चौधरी तैमूर साहब, ये MCB बैंक के ऑपरेशन मैनेजर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, ये भी स्पेशल जनाब मुल्तान गौरी टिक्का शॉप पे आए हैं। और ये हैं मंसूर साहब जो कि ये मैनेजर हैं UBL के। मंसूर साहब, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट लगती है इनकी जो यहाँ पे मुल्तान स्पेशल तशरीफ लाए खाने के लिए? खान साहब, यहाँ की अंडा टिक्की जो है ये आप देख सकते हैं ये सबसे स्पेशल है, और तो पाकिस्तान में फिरा हूँ, हर जगह गया हूँ, लेकिन ये जो टेस्ट है ना इसका अंडा टिक्की का, ये कहीं से नहीं मिला। अच्छा, इसलिए स्पेशल आज मैं आपको भी लेके आया हूँ, आप भी ट्राई करें, और हमारे देखने वाले जो लोग हैं वो भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मलिक साहब, आपने क्या खाया, कौन कौन सी चीज़ें ट्राई की आपने? मैंने यहाँ पे अंडा टिक्की ट्राई किया, इनके चिकन ट्राई किया, और इनका जो बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत सारे हमने होटल टेस्ट किया लेकिन मुल्तान में ये बहुत ही आला चीज़ है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक नए खाने के साथ खान वीलॉग में ज्वाइन कराएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जो कि मुल्तान टूर पे निकले हैं। मंसूर साहब, कैसा लग रहा है आपको मुल्तान का टूर? ये देख सकते हैं जी,
दोस्त मेरे, और इस टाइम ट्रैफिक जो है वो टोटल ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग ये सैर कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं जी, बहुत मज़ा आ रहा है। मंसूर साहब, तैमूर साहब और मलक अवैस साहब, आपने गौरी दिक्का शॉप में खाना खाया, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा फील हुआ, यकीन करें मज़ा आया कि वाकई पता चला कि हमने कोई चीज़ खाई है। इनकी सबसे एक अच्छी बात है कि आपको रेडली मील अवेलेबल है, आप ऑर्डर देते हैं, दो मिनट में आपको सर्विंग मिल जाती है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नहीं पड़ता, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मंसूर साहब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था, और खास तौर पर इनकी जो सर्विस थी बहुत अच्छी थी, मतलब हमें वेट नहीं करना पड़ा बिल्कुल भी, और फौरन ही खाना हमारे टेबल पर था। बाकी इंशाल्लाह मज़ा आया, बाकी मज़ीद अब आगे मूवी देखते हैं तो फिर उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। गाइज अब आप देख सकते हैं कि ये सारी शॉप्स हैं और ये मार्केट है, और अभी हमने सारा विजिट कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं बुच विला की जाने, तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके मूवी देखते हैं, वहाँ पे बुच विला पे फिर दोबारा मुलाकात होगी। गाइज आप देख सकते हैं कि जिस टाइम हम रोड पर हैं और गौरी टिक्का शॉप से हमने बहुत अच्छा खाना खाया, तो अभी हम बुच विलास की जानेब रवा दवा, कुछ ही देर में बुच विलास पहुँचने वाले हैं, वहाँ पे हमने टिकट जो है वो बुक करवा ली हैं, और टिकट बुक करवा के जनाब अभी टाइम हो चुका है मूवी का, तो अभी हम जनाब मूवी देखने जा रहे हैं। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं मंसूर साहब? बाबे भंगड़ा पौंदे ने, एक पंजाबी मूवी है, अभी न्यू आई है, सुहेल अहमद है इसमें पाकिस्तानी एक्टर, बाकी इंडियन मूवी है पंजाबी, तो कॉमेडी है। गाइज इस टाइम बाबे भंगड़ा पौंदे ने जी बहुत मशहूर मूवी जो कि पंजाबी जिसमें सहेल अहमद भी है, तो वो स्पेशल विहाड़ी से हम जनाब देखने के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह ताला कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं, तो अभी अब दो ढाई घंटे मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे दोस्तों के साथ। ये गाइज बुच विलास इंटर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। मुल्तान में इस टाइम बहुत सारे लोग बुच विला को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बहुत अच्छा सिनेमा बना हुआ है, खूबसूरत रोड, बहुत ही खूबसूरत टाउन, और ये देखें ये बुच विला हॉस्पिटल, ये भी रिसेंटली बना है, ये भी बहुत खूबसूरत, ये हम देख सकते हैं जी साइड पे टक शॉप्स भी हैं, होटल्स भी हैं, और वो आ गया जी दी ग्रैंड जिसको देखने के लिए हम बिहाड़ी से निकले थे। ये जी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग, और ये आप देख सकते हैं जनाब ये इंटर हो चुके हैं बुच विला में, और गाड़ियों की कितनी लंबी तादाद कतारें हैं, देख सकते हैं ये सारे लोग जो कि मूवी देखने के लिए आए हैं, और अभी हम ये पार्किंग में लगा रहे हैं गाड़ी। अच्छा गाइज हम बुन चुके हैं बुच विला, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके सिनेमे के अंदर फिर एक दफ़ा दोबारा आपसे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। गाइज इस टाइम ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्डिंग, ये बुच विला की बिल्डिंग सिनेमा की, और ये हमारे पीछे ये बहुत बड़ी बिल्डिंग सिनेमा की, और ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पर हम इंटर हो चुके हैं अभी, और अभी कुछ ही देर में ये ब्रेक है, ब्रेक के बाद सिनेमा में एंट्री होगी, मूवी देखी जाएगी, मूवी में हम आपको ज़रूर वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे मूवी के। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना बड़ा हॉल, ये कितना बड़ा बुच विला के अंदर ये सिनेमा बनाया हुआ, पीछे रोड देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा ये सारा एवेन्यू, बहुत खूबसूरत, मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी इसकी, लेकिन आज हम मैं खुद से, और ये मेरे पीछे दोस्त, ये दोस्त मेरे भाइयों, बुच विला पहुंच के कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? अभी ये तो मूवी देखेंगे तो फिर पता लगेगा कि पैसे पूरे होते हैं कि नहीं, तब तक आप हमारे साथ रहिए, हम तो एंजॉय कर रहे हैं और होप कि आप भी एंजॉय करेंगे। ये गाइस देखें ये हम आ गए हैं इसी बुच विला में, मूवीज आपके सामने, ये जो अभी मूवीज चल रही है बुच विला में डिफरेंट, हमने ये वाली मूवी देखी, ये बड़ी फेमस मूवी है जी, स्पेशल बिहाड़ी से आए हैं जनाब ये मूवी देखने के लिए, ये देखें, और ये बहुत ही खूबसूरत, मैंने ये कैफ़े बनाए हुए हैं,
पॉपकॉर्न और ये जूसेस और ये टेक्सटॉप है जी वो दूसरी लाजमी सनमे की, यहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल है जी आपको, इसमें जूसेस भी ले सकते हैं, पॉपकॉर्न भी, और ये सारी मूवीज देखेंगे हम। अभी मैं जा रहा हूँ जी मूवी देखने के लिए। ये है यूनिवर्सल सिनेमा, और ये देख सकते हैं जी ये सारी मूवी है। अभी ये है जी हॉल, बहुत ही अच्छा ट्रैक है, बहुत ही अभी सरप्राइज। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਟਾਫਟ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਮੱਖਣ ਪਨੀਰ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੋਬਡੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਚ ਵਿਲਾਜ਼ ਮੇ ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ ਅਲਫਾ ਯੂਨਿਟ 004 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਸਰ ਇਹ ਯੰਤਰ ਅਮਰੀਕਨ ਜਰਸੀ ਦੇ ਡਰਕਲੀ ਥਣਾ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਥਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਦੁੱਧ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਲੱਸੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਦਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕਰੀਮ ਆਏਗੀ ਸਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 100% ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੱਦ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਹੀ ਕੱਸਣੇ ਆ, ਬਰੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕੋਲ ਬੈ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਗਾਇਸ ਹਾਊਸ ਆਈਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨੋ ਕਾਫੀ ਬੜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਈਡੀਆ ਲੈਟ ਮੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ इसलिए वॉशलेस अंडरवियर दी सीरीज ते काम कर रहे हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट 15 साल तुसी इहदा आनंद ले सकते हो सर। एक बार तुसी चार्ज ते लाओगे ऑटोमेटिकली क्लीन अपने फोन नाल तुसी इहदा रंग चेंज कर सकते हो। अब हम मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, खास फीचर है आपने हमारे साथ सारा टूर एंजॉय किया होगा।